आज जहां शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आज भी शिक्षा लेने वाले बच्चे परेशान हैं। कुछ प्रभारियों की वजह से एक समय पहले देखा होगा कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठ अपने गुरुओं से शिक्षा लेते थे। समय के अनुसार स्कूल भवन में शिक्षा मिलने लगी। बच्चे शिक्षा के लिए आगे आए, इसलिए शासन प्रशासन द्वारा विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। शासकीय विद्यालय में बच्चों को किताबें, ड्रेसेस, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। क्लासरूम में पंखे, साफ स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चों को समस्या ना हो और ज्ञान के साथ ही वे स्वच्छता की जानकारी भी ले सकें। लेकिन टीकमगढ़ जिले में एक हाई स्कूल ऐसा है जहां शासन से मिलने वाली सुविधा लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं शासकीय हाई स्कूल अमरपुर की, जहाँ पर क्लासरूम के पंखे खराब होने से बच्चे भीषण गर्मी के नीचे बैठ कर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं स्कूल परिसर में बने शौचालय में भी ताला लगा हुआ है। बच्चों द्वारा बताया गया कि वे काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, खेल सामग्री भी पुरानी हो चुकी है। जब इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच करने की बात कही है। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम लोधी। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 7th क्लास। कौन से स्कूल में? शासकीय हाई स्कूल अमरपुर। बेटा आज ये यहाँ पर पेड़ के नीचे आपकी क्लास क्यों लगी हुई है आप लोगों की? सर अंदर सर गर्मी है। क्यों, वहाँ पर पंखा नहीं है? सर है, लेकिन सर कभी कभी सभी सर बैठ जाते। और ये शौचालय के ताले लगे हुए हैं टॉयलेट के, ये हमेशा लगे रहते हैं ताले? नहीं सर, पिछली साल नहीं सर लगे थे, सर अभी तो सर लगे हैं। इस साल लगे हुए हैं। किस क्लास में पढ़ती हूँ आप? 7th क्लास। स्कूल का नाम क्या है? शासकीय हाई स्कूल अमरपुर। ये यहाँ पर बेटा ये शौचालय के ये ताले लगे हुए हैं, ये हमेशा लगे रहते हैं ताले? सर एक ही खुला रहता है, लेकिन इस बार सर ने खोले ही नहीं है। अच्छा, सब में ताले लगे हुए हैं ऐसा? आप लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? और सर हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ाई थी 6th क्लास में, इस बार क्या पता पढ़ाएंगे कि नहीं। हिस्ट्री का टीचर कौन है? यहाँ पर खेल के प्रभारी आप ही हैं स्कूल में, ये जानना चाह रहे थे जो खेल की सामग्री है जी, किस वित्तीय वर्ष में मंगाई गई थी? सर जी 21-22 में मंगाई थी। 21-22 में मंगाई थी जी। तो अभी सामान अवेलेबल है? हाँ कुछ है सर, कुछ नहीं। जो सामान खराब हो गया उसके लिए दोबारा रिकमेंडमेंट दी गई है क्या? कहा था सर ने, कहा जी कहा था कि बजट नहीं, पैसे नहीं निकल रहे हैं, इस वजह से पैसे नहीं निकल रहे हैं। तो बच्चे खेल पाए हैं कि नहीं खेल पा रहे हैं? सर अभी पिछले उस मार्च तक तो खेलते रहे बच्चे, अभी तो छुट्टी लग गई थी, अभी तो नहीं की जाती। बच्चों के लिए खेल मैदान कहाँ पर है? अभी यहीं खिलाते सर, खेल मैदान कहीं नहीं है, यहीं पर मतलब जो भी क्रिकेट बच्चे हैं। जो अभी स्कूल परिसर में जो मैदान पड़ा हुआ है जी, इसमें झाड़ झक्कड़ लग रहे हैं, तो उसकी साफ सफाई वगैरह नहीं होती क्या? अब सर वहाँ पे वृक्षारोपण भी है। ये मेरी संज्ञान में अभी तक तो नहीं था, अब आज आप संज्ञान में लेके आए हैं, तो मैं तुरंत शौचालयों की व्यवस्था और उसमें ताले लगे हैं उनको खुलवाता हूँ, उसका कारण भी पूछता हूँ देके और पूरा व्यवस्थित करवाता हूँ। सर इसको लेकर कोई उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि प्रभारी के ऊपर? बिल्कुल जानकारी देते हैं, और यदि उन गलत पाया जाता है, उनका सही जवाब संतोषजनक नहीं रहेगा, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। सर खेल सामग्री को लेकर उन पर आरोप लगे हुए हैं प्रिंसिपल पर कि 80,000 रुपये की खेल सामग्री क्रय की थी, वो पुरानी खेल सामग्री दी गई थी जिसकी लागत लगभग 10-15,000 रुपये है। हाँ इसकी भी मैं जांच करा लूँगा कि क्या स्थिति है, क्या सामान आया है और कौन सी राशि से इन्होंने क्रय किया था, क्योंकि इसकी तो क्रय समिति होती है हमारी। और सब बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे पाठशाला लगाई जा सकती है, क्योंकि गरज चमक तो होती है, बिजली गिरती है धोखे से, अगर मान लो विद्यालय परिसर में बिजली गिरती है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा सर? पानी के मौसम में तो बाहर नहीं लगाया जा सकता, विद्यालय के बच्चों को नहीं बिठाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों, किस वजह से है, मैं इसकी जानकारी पूरी ले के और व्यवस्थित करवाता हूँ।